विधान परिषद चुनाव में राजद के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोप में लालू प्रसाद यादव ने दो बड़े नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। निष्कासित नेताओं में झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव एवं हरसिद्धि के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह हैं। गुलाब के निष्कासन की सूचना राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने जारी की है, जबकि महेश्वर पर कार्रवाई की सूचना राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने दी है। गगन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कार्रवाई की है। पिछले लोकसभा चुनाव में गुलाब को राजद ने झंझारपुर से प्रत्याशी बनाया था, किंतु वह चुनाव हार गए थे। वह अपनी पत्नी को विधान परिषद चुनाव में मधुबनी सीट से उतारना चाहते थे, जिसे राजद नेतृत्व ने नामंजूर कर दिया और मिराज आलम को प्रत्याशी बनाया। इसके विरोध में गुलाब ने अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया। इस तरह महेश्वर सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आग्रह को ठुकरा दिया और पूर्वी चंपारण से खुद को दावेदार घोषित कर दिया, जबकि वहां से राजद ने बबलू देव को प्रत्याशी बनाया है। MLC चुनाव में मधुबनी सीट पर राजद प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव ने आपत्ति जाहिर की थी। उनका आरोप था कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पहले उन्हें टिकट देने का वादा करते हुए चुनाव की तैयारी करने को कहा था। गुलाब ने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। इस बीच मिराज आलम को राजद ने मधुबनी से प्रत्याशी बना दिया। गुलाब ने कहा था कि मिराज कमजोर प्रत्याशी है। निर्णय को लेकर उन्होंने राजद पर ही सवाल खड़ा किया था। कहा था कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो NDA के उम्मीदवार को मदद कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए राजद में टिकट बांटे जा रहे हैं। पत्नी को प्रत्याशी बनाने के गुलाब के फैसले का राजद में विरोध दिखा। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने राजद को बचाने के लिए अपनी पत्नी अंबिका को चुनाव मैदान में उतारा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक महिला ने गुलाब यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उन्होंने पटना के दानापुर थाने में राजद के पूर्व विधायक और एक अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने खुद पर और अपने बेटे पर जान का खतरा होने की बात पत्रकारों से बातचीत में कही थी। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।